छह पर बीजेपी आगे चल रही है और तीन पर समाजवादी पार्टी, सीसामऊ, करहल और कुंदरकी पर आगे चल रही है, जिनके लिए अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए हैं पूरे चुनावों में इन सीटों को लेकर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटें हैं, 9 के 9 अब रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 6, समाजवादी पार्टी 3 पर आगे चल रही है। गाजियाबाद की सीट मंझुआ, खैर मीरापुर में बीजेपी आगे दिख रही है, तो वहीं सीसामऊ, करहल, कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 157 सीटों पर अभी यहाँ पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, बीजेपी प्लस 90, कांग्रेस प्लस 65 पर आ गए और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में 53 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी प्लस 32, जेएमएम प्लस 21 सीटों पर नजर आ रहे हैं और यूपी के 9 सीटों में 6 पर बीजेपी आगे चल रही है, सीसामऊ, करहल, कुदरकी में समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता रहे हैं जो ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, सबसे तेज चुनावी नतीजे हम आपको महाराष्ट्र, झारखंड के और साथ ही जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं। लातूर सीट से कांग्रेस के अमित देशमुख आगे चल रहे हैं, हिंगना से बीजेपी के समीर मेघे को बढ़त मिली है, रामटेक से शिंदे गुट के आशीष जायसवाल आगे चल रहे हैं। झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो झारखंड में अभी 28 सीटों पर बीजेपी आगे है, जेएमएम 16 पर, आजसू 3, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 46 पर बीजेपी, कांग्रेस 29 पर, शिवसेना शिंदे को 26, शिवसेना यूबीटी 16, एनसीपी अजीत 15, एनसीपी शरद 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बरेली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, जिशान सिद्दीकी वैन राइस से आगे चल रहे हैं, वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी, उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर, जहां प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है और वो वहां आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये शुरुआती रुझान है जो अभी सामने आने शुरू हो चुके हैं और महाराष्ट्र की 157 सीटों पर अभी रुझान सामने आ चुके हैं, झारखंड की 55 सीटों पर सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनके अभी यहां पर रुझान सामने आ गए हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी, करहल से समाजवादी पार्टी, कुदरकी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बाकी सीटों पर गाजियाबाद, मंझुआ, खैर मीरापुर से बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में बीजेपी 29 सीट पर आगे चल रही है और जेएमएम 15 सीटों पर आगे चल रही है, आजसू 3 पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे 26, शिवसेना यूबीटी 17, एनसीपी अजीत 15 पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान जो कि हम आपको बता रहे हैं, 288 सीट महाराष्ट्र में है और झारखंड में 81 सीट, जिनके अभी यहाँ शुरुआती रुझानों में झारखंड के 81 सीटों में से 55 सीटों के अभी रुझान सामने आए हैं और महाराष्ट्र की 288 में से 158 सीटों के रुझान अभी सामने आ चुके हैं। बीजेपी अपने अलाइज के साथ में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नजर आ रही है अपने अलाइज के साथ में। और झारखंड में जो अंतर है, डिफरेंस है बीजेपी के अलाइज और जेएमएम के अलाइज का, वो ज़्यादा है क्योंकि 34 पर बीजेपी प्लस है और जेएमएम प्लस 21 सीटों पर आगे चल रही है।